दोस्तों आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, और मैं ही नहीं सभी यूट्यूबर परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब ने सभी की अर्निंग कट कर लिया है। और ये क्यों किया है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और कट हुई अर्निंग आपको मिलेगी कि नहीं वो भी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत करते हैं टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी अपडेट, टिप्स, ट्रिक जो है आप टेक्नो गुरुदेव के चैनल पर पा सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज सुबह से ही मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम, बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए कि सर हमारे यूट्यूब की अर्निंग कट हो गई, यूट्यूब ने हमारे डॉलर कम कर दिए। और एक दो नहीं, किसी के 40 डॉलर, किसी के 50 डॉलर, किसी के 100 डॉलर, किसी के 150, 200, इस तरह से डॉलर कम हुए हैं। दोस्तों इसको लेकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने भी अपने चैनल की अर्निंग चेक किया। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको स्क्रीन शॉट में दिख जाएगा कि जब मैंने अपनी अर्निंग चेक किया तो यहाँ पर मैं भी शॉक्ड हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल के YT स्टूडियो में रेवेन्यू पेज ओपन किया और जो ग्राफ मुझे दिखा उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। दोस्तों आप यहाँ पर ग्राफ साइड में देख सकते हैं, एकाएक डाउन हो गया है, जीरो लेवल पर चला गया है। मतलब कि जहाँ पर ग्राफ डाउन हुआ है वहाँ पर आपकी अर्निंग जीरो डॉलर ही हुई है। मतलब कि उस दिन आपकी कुछ भी कमाई नहीं हुई है। और ये मैंने चेक करने की कोशिश किया कि ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर है कि सबके चैनल पर है। तो मैंने जो है कई सारे चैनल को चेक किया तो वहाँ पर भी जो है ग्राफ इस डेट के बीच में डाउन दिखा। और इसी ग्राफ के डाउन होने की वजह से आपकी जो अर्निंग है यूट्यूब की वो एकाएक बहुत ज़्यादा डॉलर कट होकर आपको दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट है 3 नवंबर से लेकर और यहाँ पर 8 नवंबर के बीच में जो अर्निंग हुई है वो जीरो डॉलर हुई है। मतलब कि 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में हमारा जो वीडियो था उस पर जो व्यूज आ रहे थे उस पर एक भी डॉलर नहीं बन रहा था। और यही जो है सभी के साथ हुआ है, और ये एक प्रकार से ग्लीच कह सकते हैं। लेकिन ऐसा ग्लीच आता क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यूट्यूब के इंटरनल एल्गोरिथम में हमेशा अपडेट चलते रहते हैं। जो हमारे वीडियो पर ऐड आते हैं कई बार जो है अपडेट की वजह से वो ऐड शो नहीं हो पाते हैं। कुछ दिन पहले लोगों ने शिकायत किया था कि सर हमारे वीडियो पर ऐड नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज उसी का इफेक्ट जो है आपको नजर आया होगा कि आपके जो चैनल पर अर्निंग है वो 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में, मतलब 5 दिन की अर्निंग जीरो डॉलर बनी हुई है। और अगर टोटल अर्निंग में से 5 दिन की आप अर्निंग निकाल देंगे तो वही डॉलर आपका घटकर आपको वहां पर शो हो रहा है। दोस्तों ऐसा सभी के साथ हुआ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समझदारी से काम करने की जरूरत है। और यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में जो हमारे चैनल पर व्यूज आए हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नवंबर कहाँ डेट है, 3 नवंबर का जो व्यूज देख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 8 नवंबर का मैं व्यूज दिखा देता हूँ। तो व्यूज तो बराबर चला है, व्यूज जिस लेवल पर आ रहा था वही व्यूज आया है, लेकिन जो अर्निंग हुई है वो एकाएक इतना ज्यादा ग्राफ डाउन होने की वजह से ही वहां से अर्निंग हमारी कम दिख रही है। आपको पता है कि लास्ट 28 डेज का अर्निंग दिखता है, तो वहां पर जो है ये 5 दिनों की अर्निंग 00 डॉलर बनी, तो 00 डॉलर ऐड नहीं हुआ, जिस वजह से हमारी अर्निंग बहुत ही कम वहां पर शो हो रही है। उसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक और प्रॉब्लम चल रही है कि यहां पर जो है 15 तारीख से लेकर और आज लगभग हो चुकी है 18 तारीख, 3 दिन की अर्निंग अभी तक अपडेट नहीं हुई है YT स्टूडियो में। तो ये अभी YouTube के इंटरनल जो प्रोसेस है उसमें एल्गोरिथम में अपडेट कुछ चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये समस्या नजर आ रही होगी। लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच की अर्निंग है वो हमको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ डॉलर बने हुए हैं। अब ये कुछ कुछ डॉलर कैसे बने हुए हैं, क्या एक दो व्यूज आए थे या कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में। और मैंने इसको लेकर जो है सपोर्ट टीम से भी बात करने की कोशिश किया, तो सपोर्ट टीम इस समय अनअवेलेबल बता रहा है। मैंने कई चैनल के थ्रू जो है बात करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर सपोर्ट टीम अनअवेलेबल जो है बता रहा है। जो उनका चैट सपोर्ट टीम का ऑप्शन होता है वो अनअवेलेबल बता रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर यार आप परेशान मत होइए, अगर आपकी अर्निंग कट हुई है तो देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर एक ग्लिच होगा तो YouTube इसे जल्द से जल्द फिक्स कर देगा और आपकी अर्निंग जो है वापस से ऐड हो जाएंगी। और अगर एक ग्लिच नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ग्लिच नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग जो है डॉलर 0 पॉइंट कुछ कुछ जो है समथिंग बनी हुई है,
तो ये हो सकता है कि बस इतना ही जो बना हुआ है वही ऐड हो, और जो आगे जो डॉलर बन रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ फिर से उठा है, तो आगे जो डॉलर बन रहा है हो सकता है कि फिर से हमारी अर्निंग स्टेबल हो जाएगी। तो इसको लेकर यार बहुत सारे लोग परेशान थे, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कमेंट कर करके जो है लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए। रिलैक्स हो जाइए, अपने चैनल पर ध्यान दीजिए, अपना एडसेंस सेफ रखिए, चैनल पर काम करते रहिए, वीडियो अच्छी अच्छी बनाइए, रेगुलर रहिए, यही सब चीज़ें आपके चैनल को ग्रो कर सकती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब की प्रॉब्लम है, और यूट्यूब जो है अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि इसको लेकर YouTube कुछ अपडेट भी दे, तो जैसे कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको अर्निंग कट की प्रॉब्लम से थोड़ी सी जो है राहत मिली होगी, और आप जो है रिलैक्स होकर अपने चैनल पर फिर से काम कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यार पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।